ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा है यही होता है पावर सेक्शन पे इन वोल्टेज का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक हैंडसेट आया है जियो 320B का। तो मैंने इस फ़ोन को पहले से खोल के रखा है और इसमें जो समस्या है वो चार्जिंग ना होने को लेकर के है। कि कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन मेरा चार्ज ही नहीं होता है और कई दिनों से बंद है। तो अब इसकी बैटरी भी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि अब वो नहीं चार्ज हो रहा है। तो इसके हम पहले कनेक्टर को देखेंगे और फिर इसके बाद हम इसका जो बैटरी कनेक्टर है वो देखेंगे। तो हमने पहले जब देखा था तो बैटरी कनेक्टर इसका कुछ टूटा हुआ था, फ़ोन खोलते समय वो हमसे पूरा टूट गया। तो खैर, उसे हम बाद में रिप्लेस करेंगे। अब सबसे पहले हम इस कनेक्टर को देख लेते हैं कि ये कनेक्टर सही से लगा है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं, कनेक्टर तो ये मे बी शायद सही लगा है। और अब हम इसे देखते हैं ज़रा। तो इसकी सप्लाई लाइन जो यहाँ पावर आईसी के पास, इसके पास एक बड़ा कैपेसिटर लगा है, वहाँ पर हम चेक करेंगे चार्जर लगाने के बाद कि क्या यहाँ पर सप्लाई आती है या नहीं आती है। अगर आती होगी तो फिर हम आगे काम देखेंगे, और अगर नहीं आती होगी तो सबसे पहले हम इस कनेक्टर से लेकर यहाँ पावर आईसी तक पहले सप्लाई पहुँचाएँगे, फिर आगे का काम देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ओवीपी आईसी लगी थी, ये किसी दूसरे दुकानदार के पास से आया है तो उसने इसे हटा के देखा है, लेकिन फिर भी सेट नहीं चालू हुआ। तो अब हम इसे चालू करते हैं अपना मल्टीमीटर। और ये आपको पता ही है कि जब भी हमें सप्लाई चेक करनी होती है तो माइनस प्रोब को हमें ग्राउंड पे लगाना होता है और रेड प्रोब से हम सप्लाई चेक करते हैं। और अगर हमें कुछ कंपोनेंट या लाइन चेक करनी होती है तो फिर हम उसे उल्टा कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कनेक्टर सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले इस पे माइक्रो केबल लगाते हैं, और माइक्रो केबल लगाने के बाद अब हम इस कनेक्टर की सप्लाई पहले चेक करते हैं। तो हमने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखा और अब हम कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर देखते हैं सप्लाई आ रही है या नहीं। हाँ, ये देखिए कनेक्टर हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे हमें अप्रोक्स 4.2 से ऊपर वोल्टेज मिल रहा है। तो लगभग ये कनेक्टर हमारा एक तरह से सही है। तो हमें अच्छा है कि इसका कनेक्टर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो टीपी है वहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं। तो वहाँ पर भी आ रही है, आप देख रहे हैं। तो ये तो हमारा कंफर्म हो ही गया कि हमारा कनेक्टर बिल्कुल ओके है। अब उसके आगे जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी सप्लाई आ रही है, दैट मीन्स कैपेसिटर भी ओके है। आगे देखते हैं कॉइल पर हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं। तो कॉइल पर भी हमारी सप्लाई आ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर कॉइल हमारी ब्रेक होती तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आती। तो अब यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो इसके आगे ओवीपी आईसी लगी है, तो ओवीपी आईसी पहले से हटी हुई है, तो मे बी शायद पूरी फॉल्ट यहीं से है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें आगे कोई सप्लाई मिल नहीं रही है ओवीपी आईसी के आगे तक। तो हमें इस कैपेसिटर से लेके यहाँ तक एक जम्पर लगाना पड़ेगा ताकि हमारी सप्लाई आगे के लिए चल सके। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर पूरा बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद हम पावर आईसी वाले सेक्शन की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमारा मेन चार्जर का वोल्टेज इन होता है। तो अभी यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई पहुँचाने के लिए जम्पर लगाना पड़ेगा। तो अब हम पहले जम्पर लगा लेते हैं, और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमारी पावर आईसी के पास सप्लाई आती है वो। ये देखिए, ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा है, मैं दूसरे मदरबोर्ड पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस पे साफ दिखे क्योंकि उस पे अभी पत्ती लगी हुई है। ये देखिए, ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा है यही होता है पावर सेक्शन पे इन वोल्टेज का। तो अभी इस पे आईसी नहीं लगी हुई है, और इसके पास ये जो बड़ा कैपेसिटर लगा है यही है इस पावर आईसी पे सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। तो अगर नीचे से हम यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट 5 वोल्ट का जम्पर लगा सकते हैं, लेकिन
दैट मीन्स श्योर हो जाएं कि आपके फ़ोन की सेफ्टी थोड़ी सी भी नहीं रहेगी और फ़ोन हीट भी बहुत होगा। और इससे जो आउट की सप्लाई निकलती है पावर सप्लाई से, पावर आईसी से, वो सप्लाई हमारी इस छोटे वाले कैपेसिटर से होते हुए फिर बैटरी कनेक्टर तक जाएगी। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या हमारी सप्लाई यहाँ आगे किसी और ट्रैक के थ्रू तो नहीं जाती है, तो वहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले उसे जंपर करना पड़ेगा जो हमारी ओ वी पी आई सी के पास कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि ओ वी पी आई सी ना होने की वजह से पूरी सप्लाई वहीं से ब्रेक है। तो अब हम इस जंपर वायर का इंसुलिन पहले हटा लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन लगा रहने से आपको भी पता है कि जंपर अच्छे तरीके से लग नहीं सकता है। तो हम इसे हटा करके और इसका पहले तो कनेक्टर हटा देते हैं चार्जर, नहीं तो हमारा फ़ोन भी डैमेज हो सकता है। अब हम थोड़ा सा रंगा लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा रंगा को हटा देते हैं, और अब हम उस कैपेसिटर से जंपर लेकर ओ वी पी आई सी के आगे एक जंपर लगाते हैं। और ये जंपर लगा दिया है मैंने, लेकिन फिर निकल गया, कोई बात नहीं। अब ये नहीं लगा, अभी देखो। तो इसके लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसे सबसे पहले अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारा लग चुका है। अब हम इसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमें जंपर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस जंपर वायर को हटा लिया है और अब हम इस जंपर वायर को ओ वी पी आई सी के आगे वाले कैप पर लगा देते हैं, ताकि हमारी चार्जर की सप्लाई पावर आई सी तक पहुंच सके। और ये देखिए मैंने इस पे लगा दिया है। अब ये हम इस पे चार्जर लगा के देखते हैं कि क्या अब हमारी 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो ओ वी पी के आगे आ रही है या अभी भी नहीं आ रही है। तो हमने चार्जर लगा दिया है, अब हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं और रेड प्रोब से सप्लाई चेक करते हैं। तो ये सही से लग नहीं पा रहा है, मैं इस कैप पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए थोड़ा सही से लग नहीं रहा है, इस वजह से रीडिंग फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रही है, हालांकि ये सप्लाई बिल्कुल सही है। तो अब हम इसे सही से एक बार, ये देखिए यहाँ पर जो हमने ओ वी पी आई सी के आगे वाले कैप पर सप्लाई दिया है वहाँ तक तो हमारा एकदम ओके है। ये इस पावर आई सी के अंदर ये प्लेट लगी होने की वजह से वहाँ तक हमारा मीटर का प्रोब पहुँच नहीं रहा है, और इसमें आगे हमने सुई भी नहीं लगाई है, इस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक सप्लाई कैसे जा रही है अभी तक 5 वोल्ट या नहीं जा रही है। तो एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, और वहाँ तक अभी जा नहीं रही है सप्लाई। तो इसकी ये पावर आईसी है जो ख़राब है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब हमें इस पावर आईसी को हटा के इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर मे बी इससे और हो सकता है कि इसे चेंज भी करना पड़े, तो वो बात की बात है। अगर पावर आईसी हमारी सही होती तो यहाँ पर सप्लाई आती, लेकिन पावर आईसी सही ना होने की वजह से हमारे बैटरी कनेक्टर पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स अब इसकी पावर आईसी ख़राब है, तो अब उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।